Hello friends, welcome back to my channel. Today's video is the second part of how you can use Teachmint app for taking online classes. Teachmint app पर ये मेरा second video है, जो details first part में cover नहीं हो पाए थे, उन्हें हम इस video में different sections के अंदर cover करेंगे. So, let's get started. How the students are going to get started on Teachmint. सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर देंगे या फिर अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर देंगे. Then you have to get through the process of OTP. Once you are done with this, you have to select I am a student. यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं. वहाँ पर आप चूज करेंगे I am a student. You have to give your details, जैसे कि name, city, etc. अब यदि आपको क्लास ज्वाइन करना है, तो जो टीचर आपको क्लासरूम आईडी प्रोवाइड करेगा, वो क्लासरूम आईडी आप यहाँ पर फिल अप करेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू इनरोल इन द क्लास. जो टीचर है जब आपको एक्सेप्ट कर लेगा अपनी क्लास में, अप्रूव कर लेगा, तब आपका जो इनरोलमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू ज्वाइन द क्लास एंड सी द वेरियस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द क्लासरूम प्लेटफॉर्म. यदि आप स्टूडेंट्स को असाइनमेंट देना चाहते हैं तो वो आप बहुत ईजिली यहाँ कर सकते हैं. सबसे पहले जो आपका असाइनमेंट फाइल है, यू हैव टू गेट इट रेडी. चाहे तो वो वर्ड डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, पीडीएफ भी हो सकता है, इमेज फाइल भी हो सकती है. वंस यू आर डन विद दिस, देन यू हैव टू गो टू द असाइनमेंट्स टैब. वहाँ पर जो नीचे रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं, जैसे कि टाइटल हुआ, सबमिशन डेट हुआ, मार्क्स एंड अदर डिटेल्स, वो आप यहाँ पर फिलअप करेंगे. आफ्टर दैट यू विल गो टू द एड अटैचमेंट सेक्शन एंड क्लिक ऑन फाइल. तो जो आपका फाइल है, असाइनमेंट फाइल है, वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा एंड वंस यू आर डन क्लिक ऑन सेव एंड क्रिएट. तो इस तरह से जो आपका असाइनमेंट है वो क्रिएट हो जाएगा. इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, दे विल ऑल्सो गो टू द असाइनमेंट सेक्शन, सिलेक्ट दिस और जो असाइनमेंट होगा उसको उन्हें डाउनलोड करना होगा. देन दे आर गोइंग टू सॉल्व इट. सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन फाइल है उसको उनको दोबारा से अपलोड करना पड़ेगा ऑन द सेम प्लेटफॉर्म. दे विल क्लिक ऑन सबमिट एंड द असाइनमेंट विल बी सबमिटेड. नाउ व्हाट द टीचर विल डू इज जस्ट गो थ्रू द असाइनमेंट, चेक इट and based on it the teacher is going to provide you the marks. So it is that simple. यदि आप online classes conduct कर रहे हैं तो जो आपकी students की fees है उसका आपको separate record रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. इस app में जो fees tab है उसके under आपको ये सारा data properly structured form में available रहता है. To get started जो teachers हैं they will go to this fees tab. इसके बाद क्या अमाउंट आपको लेना है वो यहाँ पर आप फिलअप करेंगे. देन यू विल गो टू द रिमाइंडर डेट्स. वो डेट्स जिस पर रिमाइंडर जो स्टूडेंट्स हैं उनको मिलेगा, वो डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे. इसके बाद जो आप फीस लेंगे वो कब से कब तक लेंगे, जो डेट्स हैं वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे. वंस यू आर डन विद ऑल दिस प्रोसेस यू हैव टू सेव इट. जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे फीस पे करेंगे, दे विल ऑल्सो गो टू दिस फीस टैब. उनके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक है आपका कैश और दूसरा है आपका ऑनलाइन मोड. ऑनलाइन पेमेंट जैसे कि गूगल पे से आप कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं या फिर किसी और मीडियम के थ्रू भी आप फीस को पे कर सकते हैं. एंड वंस यू हैव पेड द फीस तब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अपडेट करना है ऑन द ऐप. ये आप इन्फॉर्म करेंगे अपने टीचर को दैट यू हैव पेड द फीस. द टीचर विल गेट द नोटिफिकेशन जो आपका फीस है वो आपने पे कर दिया है. बट द प्रोसेस इज नॉट कम्प्लीट येट. टीचर इज गोइंग टू वेरीफाई इट कि क्या फीस पे हुई है या नहीं हुई है. यदि फीस पे हो गई होगी देन दिस अमाउंट विल बी मार्क्ड एज पेमेंट रिसीव्ड और यदि नहीं हुआ होगा देन दिस विल बी कंसिडर्ड एज अमाउंट ड्यू. तो इस तरह से नॉट ओनली फॉर वन और टू स्टूडेंट्स, फॉर द एंटायर क्लास ये पूरा प्रोसेस प्रॉपरली थ्रू प्रॉपर चैनल डिफाइंड रहेगा. जो डेटा है इट विल बी प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड. तो कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन का प्रोविजन यहाँ पर नहीं है. Taking test is an integral part of a classroom. To keep track of your students' progress, आप चाहें तो उनसे multiple choice questions भी पूछ सकते हैं या फिर subjective type questions भी पूछ सकते हैं. यहाँ पर आपको दोनों तरह के test conduct करने का option मिलता है. इसके लिए आप जाएंगे test option पर और वहाँ पर जो required details हैं उनको आप fill up करेंगे.
नीचे आपको ऑप्शन मिलता है एड अटैचमेंट फाइल का, यू विल गो टू दैट और जो आपका क्वेश्चन पेपर है आपका, इट कैन बी अ पीडीएफ फाइल, इट कैन बी अ वर्ड फाइल और इट कैन बी एन इमेज फाइल, तो उस फाइल को आप यहाँ पर अटैच करेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू सेव इट. इन दिस वे योर टेस्ट इज गोइंग टू बी क्रिएटेड. स्टूडेंट्स कैन डाउनलोड दिस, सॉल्व इट एंड सेंड इट बैक टू यू एंड बेस्ड ऑन द आंसर्स, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस आप उनको स्कोर देंगे. यदि स्टूडेंट्स के पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो तो ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. टीचमेंट ऐप में आप अपनी पूरी क्लास को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा सकते हैं. उसके लिए हम जाएंगे स्टडी मटेरियल टैब पर, देन क्लिक ऑन ऐड स्टडी मटेरियल. यहाँ पर यदि आप डॉक्यूमेंट या इमेज ऐड करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे. देन यू हैव टू गिव द टाइटल ओवर हियर, ऐड द डिस्क्रिप्शन फॉर दैट. देन यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन ऐड अटैचमेंट, चूज फाइल. जो आपका फाइल है वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे, क्लिक ऑन अपलोड. नाउ इन ऑर्डर टू सी दैट आप कहाँ जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स टैब पे, और यहाँ आप देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है दैट इज अवेलेबल ओवर हियर. जो स्टूडेंट्स हैं दे आर गोइंग टू क्लिक ऑन दिस और फिर वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं. अब यदि आपको YouTube वीडियो ऐड करना है तो अगेन यू विल हैव टू गो टू ऐड स्टडी मटेरियल. यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे वीडियो, देन अगेन यू हैव टू गिव द टाइटल ओवर हियर, ऐड डिस्क्रिप्शन, देन यू हैव टू गिव द YouTube वीडियो लिंक ओवर हियर. फॉर दैट यू विल गो टू YouTube और उस टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियो है उसका लिंक हम यहाँ पर कॉपी करेंगे एंड देन वी विल गो टू दिस पेज और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे एंड देन यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन अपलोड. तो ये जो आपका डॉक्यूमेंट है, जो आपका वीडियो है, वो यहाँ पर अपलोड हो गया है. तो आप इसे YouTube वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं. स्टूडेंट्स इस पे क्लिक करेंगे एंड देन दे कैन सी द वीडियो. इन द सेम वे आप यहाँ पर इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं. सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज वीडियो. मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ. टिल देन टेक केयर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.